नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान संपन्न। करीब 61% से ज्यादा वोटिंग, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 81% और झारखंड में 65% वोटिंग। 979 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला, ईवीएम में बंद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली में डाला वोट। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच बीजेपी की महिला प्रत्याशी से तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता ने की बदसलूकी। काफिले में शामिल गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मांगी रिपोर्ट, बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। छठे चरण में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन, नरेंद्र सिंह तोमर, राधामोहन सिंह और मेनका गांधी की किस्मत का फैसला। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह, जगदम्बिका पाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मैदान में। दांव पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, रघुवंश प्रसाद सिंह, मनोज तिवारी, गौतम गंभीर और विजेंद्र सिंह समेत कई दिग्गजों की किस्मत। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया में रैलियां। कुशीनगर में कहा, राजस्थान में दलित लड़की के साथ अत्याचार हुआ लेकिन मायावती का राज्य सरकार को समर्थन बदस्तूर जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में भी जनसभा को किया संबोधित। और वियतनाम में वेसाक के 16वें संयुक्त राष्ट्र दिवस उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। दुनिया को आतंकवाद के खतरे को लेकर किया आगाह। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से नफरत की जगह संवाद, सौहार्द और न्याय को बढ़ावा देने के लिए काम करने की अपील। और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 7 राज्यों की 59 सीटों पर आज वोट डाले गए। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ रही। महिलाओं और युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए थे। मतदान को सुचारू तरीके से पूरा कराने के लिए 1,13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए थे। पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए थे और इस चरण की 8 सीटों पर अर्धसैनिक बलों की 713 कंपनियां तैनात की गई थीं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी दिल्ली में मतदान किया आज छठे चरण में। और इस दौर में उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेताओं ने भी मतदान किया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अपनी पत्नी संग पहुंचे नई दिल्ली लोकसभा सीट के निर्माण भवन मतदान केंद्र पर, जहां पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया।
और इसी मतदान केंद्र पर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी अपना वोट डाला, शीला दीक्षित ने अपना वोट डाला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन परिसर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वोदय विद्यालय में स्थित मतदान केंद्र पर मतदान किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद भी मौजूद रहीं। छठे दौर के लिए मतदान जो है वो दिन भर सुचारू रूप से चला। क्या आम क्या खास, सभी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दिया। एक एक वोट की कीमत होती है और सभी ने अपने इस जिम्मेदारी को, इस अधिकार को समझते हुए घर से निकलकर सबसे पहले वोट कास्ट किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली लोकसभा सीट के निर्माण भवन मतदान केंद्र पर वोट डाला। उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी ने भी मतदान किया। उपराष्ट्रपति वियतनाम की 4 दिवसीय यात्रा के बाद एयरपोर्ट से सीधा वोटिंग सेंटर पहुंचे, जहां पे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नई दिल्ली लोकसभा सीट के निर्माण भवन मतदान केंद्र की है, जहां पे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपनी पत्नी संग पहुंचे। यहां पे उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वियतनाम के 4 दिवसीय दौरे पे थे, काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम था उनका। आज ही वो दिल्ली लौटे, लेकिन एयरपोर्ट पे उतरते ही सीधा वो मतदान केंद्र गए, जहां पे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और ये संदेश दिया कि एक एक वोट की कितनी अहमियत है, कितनी कीमत है, और लोकतंत्र के इस महापर्व पर हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अपने वोट के अधिकार को समझना होगा। देश के भविष्य के निर्माण के लिए एक वोट का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। We are the largest democracy in the world. Vote is not only a right, but also a pious responsibility. I was in Vietnam for the United Nations sponsored Visakh Buddhist Conference. After giving keynote address there, I came back to Delhi along with my wife, Srimati Usha Naidu. Both of us went to our erstwhile office where I used to be working and exercised our franchise. लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 59 सीटों पर मतदान हुआ। इस दौर में 979 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। आज जिन 59 सीटों पर मतदान हुआ उनमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10 सीटें, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8-8 सीटें, जबकि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान हुआ। तो ये वो सीटें जिन पर आज जो है मतदान संपन्न हुआ छठे दौर में, और इनमें जिन उम्मीदवारों पर सबकी नजरें हैं, दिल्ली के चांदनी चौक से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मैदान में हैं, और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुरैना से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उम्मीदवार हैं। ये वो चेहरे, ये वो नाम जिन पर इस चरण में सभी की निगाहें हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण सीट से केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, जिनकी किस्मत का फैसला इसी चरण के माध्यम से होना है, और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, और इसके साथ ही भोपाल से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी किस्मत आज छठे दौर में मतदाताओं ने ईवीएम में बंद की। वहीं सोनीपत से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
और पश्चिम बंगाल में मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और पूर्व महिला आईपीएस अफसर से बदसलूकी की गई। उनके काफिले में शामिल गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। पश्चिम बंगाल में घाटन लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और भारतीय पुलिस सेवा की पूर्व अफसर भारती घोष को तृणमूल कांग्रेस के कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्र के बाहर घेर कर उनके साथ धक्का मुक्की की। उन्हें केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया। भारती घोष ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस पूरी घटना की जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि हिंसा को देखते हुए सातवें चरण के चुनाव के लिए और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। कि उनके पैरों तले धरती हिल गई है और इसलिए वो जानबूझकर ये हिंसा कर रहे हैं। उनके गुंडे एक दिन पहले जाकर बम फोड़ते हैं, फायरिंग करते हैं ताकि दहशत हो, और सीसीटीवी सभी केंद्रों पर न होने से वहाँ पूरा रिगिंग करते हैं। और इसलिए हमने आज मांग की कि अभी अंतिम चरण में आज की घटनाओं की तो पहले जांच करें, जो दोषी है उनको पकड़े, और उसके साथ साथ हमने ये मांग की है कि सातवें अंतिम चरण के चुनाव के लिए जो अवांछित व्यक्ति है, जो हिस्ट्री शीटर्स है, उनको राउंड अप किया जाए और उसके साथ सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए जाए, जिसका फीड चुनाव आयोग को मिले, तभी ये जो तरीके चल रहे वो रोके जा सकते हैं। और छठे चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आइए सीधा रुख करेंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस 7.82 लाख एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स 3539. टुडे द सर्च हैव हिट मैक्सिमम ऑफ 18.3 करोड़ ऑन नेशनल वोटर सर्विसेज पोर्टल एंड 85 लाख नंबर ऑफ SMS checking for the details had been done so far. Now coming to the scoop which you are asking, we want to give this time seamless information about the counting being done on 23rd, and elaborate arrangements have been made for that. First of all, a new app has been developed which will be available to all on three different way. One is on ECI website. It would be also available on voter helpline mobile app, and at CO's offices and here also we'll be having the auto scrolling panels where you can see the round wise results. Now how we have done is that there are three types of counting which will be taking place. One is for the general voters through the EVM, and that would be added up every round. Second is the postal ballots which come physically from the persons who are deployed for election duty. And third is electronically transmitted postal ballot for the service voters. So all the three would be counted, and round-wise details would be uploaded on the website of ECI and also voter helpline app. And when it is being declared by that many number of ROs, you would be seeing the thing here itself. So there would not be any lag between what would be announced at so many number of locations for the 542 number of parliament constituencies and what you would be able to see that. So the way you are seeing now the voter turnout along with us, the same way the ECI would be sharing the information with you. So this is something new which you can tell the people, and there are many features in this. For example, if I as a as a citizen would like to know about, let's say, 10 number of individual constituencies result, automatically it will be getting refreshed and you will be seeing the details for that. You need not search the entire thing and reach to that. You can set your own priorities and you can see that. So this is a new thing which I would like to share with you. About the IT, the voter helpline app has really become a hit, and 31.7 crore number of viewership so far have been registered, and today we are having 3.4 crore number of registered users who are seeing the voter turnout and all the details on voter helpline app, and this would be added to that. This will be an addition.
The entire EVMs and VVPATs, that is BUCU and the VVPATs, have been deployed using the software which is called EVM Management System, and everywhere it has been done as per 100% the protocol of the commission. Quickly, I'll tell you about the C-Vigil. 1.38 lakh number of total complaints have been received, out of which 1.07 lakh number have been found to be correct and acted upon. So the percentage of correct information remains at 78%, and this C-Vigil app is really an empowering app for the entire entire vigilant citizen throughout the country. Coming to the MCC, we have so far received 1027 number of references from central ministries, and it has been dealt with. As on date, only 23 are there, which have been received only a day ago. And 509 number of violations have been also put there. We also rolled out for the state government to send the MCC relaxation references, and so far 929 state ministries and departments have been registered, and we are getting details from there also. Now I come to the specifics, and as has been told by Shri Umesh Sinhaji, special effort has been taken in Delhi to identify the centenarians who are there, and those more than 100 year age of electors were approached by the CO Delhi office, more than 100 number. And today more than 40 have turned out and they have cast their vote, and they were facilitated seamlessly. That is one thing I would like to share with you. Coming to the specifics, in Delhi, 7 number of parliament constituency, we had the poll today, and there were total 1.43 crore number of electors. 78.73 lakhs were male and 64.43 were female voters, for whom today the poll was conducted. The service voters for Delhi, all the 7 parliament constituencies, were 11,005 in number, and total number of male candidates were 148, female 16. So total 164 number of candidates were in fray for today's poll for 7 parliament constituencies. 13,819 number of polling stations where we conducted poll today in Delhi, and locations were 2,700. Total 72,945 number of poll personnels were deployed, and about 38,000 number of police force was also deployed. Coming to the percentage turnout, as has been reported to us at 5 o'clock, is last parliament election for 2014, it was 65.1%, and last reported figure of 5 p.m. is 56.11% for Delhi. 56.11. तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे छठे चरण में चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बताया कि कितने परसेंटेज वोटिंग अलग अलग राज्यों में हुई है. और आइए रुख करेंगे हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन, जो कि बिहार के मोतिहारी से हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके अलावा हरियाणा के पंचकुला से रविंद्र सिंह श्योराण भी हमारे साथ जुड़े हैं. सबसे पहले अखिलेश, आपका रुख करना चाहूँगी. आज मतदाता का दिन है, जनता का दिन है, तो सबसे पहले उन्हीं की बात. बिहार की 8 सीटों पर आज वोटिंग हुई है. आपने 5 बजे तक बताया था कि 55% से ज़्यादा की वोटिंग हुई है, ये जो प्रतिशत है वो कितना बढ़ा है? बिल्कुल, देखिए अभी की जो अद्यतन जानकारी है उसके हिसाब से 59.38% हुआ है जी. मतलब पिछले चुनाव की तुलना में अगर करें 2014 के चुनाव में, तो उस समय हुआ था 57.25, मतलब तकरीबन 2% से ज्यादा मतदान की वृद्धि हुई है इस चरण में, छठे चरण में, पूरे बिहार के 8 कंस्टिट्यूएंसीज में. अगर सबसे ज्यादा मतदान कहें तो वो सबसे ज्यादा मतदान वेस्ट चंपारण में हुआ है 63.90, उसके बाद वाल्मीकि नगर में हुआ है 63.80, और मैं अभी जहां खड़ा हूं मोतिहारी में, इस चंपारण है वो, वहां 58.70 हुआ है. काफी चिलचिलाती धूप है, बहुत तेज गर्मी है, लेकिन सुबह जो लोग
ज्यादा जिनको सुबह का काम होता है या जिनको कुछ बिजनेस होता है या महिलाएं होती है वो सुबह आकर अपना वोट दे गई। दोपहर में निश्चित तौर पे मतदान की प्रगति काफी कम रही, लेकिन फिर शाम में तकरीबन 4 बजे के बाद मतदान में फिर तेजी आई और उसके कारण आप देख रहे हैं कि 2014 की तुलना में ज्यादा मतदान हुआ है। इसका एक कारण यह भी है कि जब कंपेटिटिव पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है तो उसमें भी मतदान होता है, दोनों पक्षों के लोग मतदान के लिए अपने अपने जो वोटर हैं उनको उत्साहित करते हैं, उनको मतदान केंद्रों पर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति आई है बिहार के इस चरण में, छठी चरण में महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बीच काफी कड़ा मुकाबला है, और काफी कड़ा मुकाबला इसलिए भी है कि यहाँ 8 नए उम्मीदवार हैं, चाहे वो आरजेडी, आप चाहे वो महागठबंधन की तरफ से देखें या एनडीए की तरफ से देखें, कुल मिलाकर 8 नए उम्मीदवार हैं और उन नए उम्मीदवारों के कारण भी थोड़ी सी स्थिति काफी रोचक हुई रोचक है और दिलचस्प हो गई। रोचक होने के जी अखिलेश, जैसा कि आपने बताया लगभग आपने जो अलग अलग बूथ तक ले जाने में प्रेरित कर जी अलग अलग लोकसभा सीट वाइज भी आपने बताया कि लगभग 50% से ज्यादा ही हर जगह मत प्रतिशत रहा और पिछली बार से ज्यादा नहीं लेकिन कुछ सही वृद्धि हुई है, ये एक शुभ संकेत है। आपके साथ काफी लोग हैं वहां पर, बिहार का मतदाता जब आज वोट करने के लिए निकला है तो वो कौन से अहम मुद्दे उनके जहन में थे, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं जो कि छाए हुए हैं, लोकसभा चुनाव हैं और साथ ही साथ लोकल मुद्दे भी हैं जो लोग अपने जहन में रखते हैं। निश्चित तौर पे देखिए राष्ट्रीय मुद्दे तो हैं ही, राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरे देश में बता रहे हैं लोगों को कि किस तरह राष्ट्रीय सुरक्षा एक अहम मामला है, अंतर्राष्ट्रीय मामला भी है, बिहार के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी रुचि रहती है, वे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत की किस तरह की छवि बनी है वो भी उनके जहन में है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी है कि जो काम विकास के जो काम हुए हैं, निश्चित तौर पे जो आप मैक्रो लेवल पे देखेंगे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार जैसा प्रदेश जो कि बिल्कुल भूखा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सड़कें नहीं रही हैं, अगर आप देखें तो मैं भी बिहार काफी दिनों के बाद आया हूं और मैंने भी जो देखा कि हर जगह सड़कों के काम में काफी प्रगति हुई है, नए नए इंस्टीट्यूशंस बने हैं, यहां पर भी मदर डेयरी के संस्थान बने हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के रिसर्च का सेंटर बना है, कई एक दो जगह अस्पताल भी बनते हुए मैंने सुना है। तो इस तरह से निश्चित तौर पर हुआ है और जिसको बीजेपी अपनी तरफ से भुनाने की कोशिश में है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन का जो मामला है, महागठबंधन अपनी तरफ से बेरोजगारी के मामले को उठा रही है, उन लोगों का यह कहना है कि बिहार से लोगों का पलायन बढ़ा है, बिहार से लोग बिहार बाहर जाने को मजबूर हुए हैं, बिहार में रोजगार नहीं मिल रहा है। तो बिहार में रोजगार नहीं मिलना महागठबंधन की तरफ से एक बहुत बड़ा एक कारण बताकर पेश किया जा रहा है, बहुत बड़ा तबके के लोगों के बीच में, यंग लोगों के बीच में भी ये बातें हैं कि रोजगार की स्थिति नहीं है। लेकिन अब उसके अलावा यहाँ के कास्ट कंसोलिडेशन भी होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि महागठबंधन ने कई जातियों को मिलाकर एक रोचक एक समुच्चय बनाया है, सबसेट बनाया है और वो सबसेट भी कितना काम करेगा यह भी देखने वाली बात है। लेकिन दोनों गठबंधन के लोगों को इस बात का अंदेशा है और काफी वे रोचक तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि क्या जातियां टूटेगी या नहीं टूटेगी, क्योंकि जातियों के टूटने से दोनों गठबंधनों के लोगों को यह लग रहा है कि उनको फायदा होगा। तो जाति का मामला, विकास का मामला, बेरोजगारी का मामला और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, ये 4 ऐसे मुद्दे हैं जो कि बिहार में काफी अहम है और बिहार के लोग इस बात पे वोट दे रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, सुमन आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पीछे कई लोग हैं उनका भी हम रुख जानेंगे। नवविक्रम जो की हैं हरियाणा के पंचकुला से, उनका रुख कर लेते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो हरियाणा है उसकी सभी 10 लोकसभा सीटों पर आज रविंद्र सिंह शोराण, आज वहां पर वोटिंग हुई है। सबसे पहले मत प्रतिशत, क्योंकि जनता का दिन है, कितनी उत्साहित थे लोग और मत प्रतिशत कितना रहा अब तक? देखिए अमृता, अभी तक जो आंकड़े आए हैं, जो 6 बजे तक के हमारे पास, 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं, उसमें 62% मतदान हुआ है। अभी 6 बजे तक का समय था और उसके बाद भी कई जो है लोग कतारों में लगे हुए थे, तो अंतिम आंकड़े आते आते हमको देर रात तक का या कल सवेरे तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब पूरे क्षेत्र के आंकड़े जो है वो चुनाव आयोग अपना यहाँ कंपाइल करेगा। लेकिन उम्मीद जिस तरीके से की जा रही है, जो चुनाव आयोग ने इस बार कोशिश की है मतदाताओं को जागरूक करने की, गांव शहर हर इलाके में
अपने पहुंचकर और आखिरी मतदाता तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि वो इस पूरे चुनाव के महोत्सव में कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने अहम हैं, और जिस तरीके की सुविधाएं चुनाव आयोग ने इस बार मतदाताओं को दी है, तो चुनाव आयोग को भरोसा है कि इस बार का मत प्रतिशत पिछले सालों के जो मत प्रतिशत रहे हैं उसके मुकाबले में ज्यादा रहेगा। सवेरे से ही हमने लोग देखा है कि किस तरीके से 7 बजे का वक्त था, लेकिन लोग 6:30 बजे से ही आना शुरू हो गए थे। एक तो काफी गर्मी इस इलाके में है, ऊपर से जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से वार्निंग भी दी गई थी कि आज गर्मी के बढ़ने की संभावना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए शुरुआत के जो वक्त था, शुरू के जो करीब 4 घंटे थे, उसमें मत जो है काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पर डाला। उसके बाद जो लीन आस थे उसमें काफी ढीला मतदान रहा, लेकिन उसके बाद शाम होते होते काफी एक बार दोबारा से यहाँ पर मतदान ने जोर पकड़ लिया था। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जो मतदान है उसकी संख्या पिछले बार के मुकाबले में ज्यादा रहेगी, और काफी एलेबोरेट अरेंजमेंट सुरक्षा की दृष्टि से भी। देखिए, अगर हम बात करें इतिहास के हिसाब से तो हरियाणा में हिंसा का यहाँ पर इतिहास लंबे अरसे से रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग ने जिस तरीके से मैनेजमेंट किया है, चुनाव आयोग में चुनाव सुधार जो हुए हैं उसमें हिंसा लगातार यहाँ पर घटती जा रही है, और आज किसी भी इलाके से अभी तक कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं है, तो इसको चुनाव आयोग के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा के 10 सीटों का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है अमृता, क्योंकि ठीक 3 महीने के बाद यहाँ पर विधानसभा का चुनाव है वो भी ड्यू है, और असेंबली का टर्म जो है वो खत्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो खास खास क्षेत्र थे जिन पर सबकी नजरें बनी हुई है, उसमें सोनीपत और रोहतक का क्षेत्र है, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अलावा अशोक तंवर सिरसा से उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के, उसके अलावा हिसार जो क्षेत्र है उसको सबसे अहम माना जा रहा है, सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहां पर हमारे इस हरियाणा इलाके के 3 बड़े दिग्गज वो एक दूसरे, उनके परिवार के सदस्य एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिनमें दुष्यंत चौटाला जो कि देवीलाल की 4थी पीढ़ी हैं, और भजनलाल के पोते और केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के बेटे, ये तीनों लोग एक दूसरे के सामने वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफी अहम ये क्षेत्र माना जा रहा है। पिछले जब से यहां पर बीजेपी की सरकार बनी है, मनोहर लाल खट्टर यहां पर मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से जो है हरियाणा की राजनीति यहां पर काफी बदलाव आया है। लंबे अरसे से जहां हरियाणा की राजनीति पर अगर हम 4 या 5 दशक की बात करें तो 3 लालों देवीलाल, भजनलाल और बंसीलाल, उन परिवारों का लंबे अरसे तक यहां पर राज रहा है, सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर। हालांकि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जो वंशज हैं, उनके जो अगली पीढ़ी के लोग हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो 10 सीट ऐसी हैं जहां पर चुनाव हुआ है, उनमें से 7 अमृता सीटें ऐसी हैं जहां पर या तो सीधे तौर पर उन परिवारों में से कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है, या केंद्रीय मंत्री या पूर्व केंद्रीय मंत्री किसी अलग पार्टी से यहां पर परिवारों की भी आपस में काफी दिलचस्प लड़ाई है वहां पर। रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, अखिलेश सुमन का दोबारा रुख करेंगे। अखिलेश, आपके साथ पीछे कुछ लोग भी मौजूद है, मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी बात करें कि आज जब उन्होंने वोट कास्ट किया तो कौन से अहम मुद्दे थे जो उनके जहन में रहे। निश्चित तौर पे। अच्छा ये बताइए, आप ही बताइए, आप बड़े उत्साहित हैं, आप बताइए, आप जब वोट देके आए क्या मुद्दा था आपके मन में? हमारे मन में नीतीश कुमार ने जो गली कुची जो रोड नाला बिजली बत्ती जो दिया है नीतीश के नाम पर जो है, ये राधा मोहन सिंह को पूर्वी चंपारण में हिंदू मुस्लिम एक होकर वोट दिया है, 2 लाख से वो जीतने जा रहे हैं। क्या नाम है? नीतीश का, मोहम्मद इस्लाम। आप लोगों को कुछ कहना है? कौन लोग बहुत उत्साहित? हाँ बोलिए बोलिए। सर, मोदी जी जो मोतिहारी में आए थे पिछले बार, चीनी मिल के जो वादे करके गए थे, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए चीनी मिल, किसान को अपना गन्ना सर सिधवलिया गोपालगंज ले जाना पड़ता है, बहुत सारे किसान का गन्ना खेत में सूख गया और आत्महत्या करता है, जब किसान तो ये बोलते हैं कि प्रेम प्रसंग में कोई आत्महत्या करता है तो मेरा कोई ही है, तो इसलिए इनके प्रति लोगों में काफी ज्यादा खफा है। गांव देहातों में आप जाइए, आपने इसी मुद्दे पे वोट दिया है? बिल्कुल, आपने इस मुद्दे पे प्रताप सिंह को वोट दिए हैं, वोट दिए हैं, और आकाश सिंह यहाँ लगभग 2.5 लाख मतों से चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, आपको आपने वोट दिया? जी वोट दिए हैं। आपने वोट दिया? हम लोग रमा देवी को वोट दिए हैं सर। कहाँ की है वो? हमारे सीवर क्षेत्र से। जी जी, क्या मुद्दा क्या है आपके मन में? मुद्दा हम लोग मोदी को लेकर वोट दिए हैं उनको, रामा देवी तो हमारे क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया है। वो तो नहीं आई है वहाँ से, मुंगेर से आई है। हाँ, सिर्फ इलेक्शन के समय में घूमने आती है, बाकी कोई काम नहीं करती हमारे क्षेत्र में। अखिलेश, हम लोग केंद्र को लेकर हम लोग वोट दिए हैं, केंद्र सरकार को लेकर। आप लोगों को बोलना है? मोदी सरकार, मोदी सरकार। जी अखिलेश जी, बने रहिए।
बने रहिए आप हमारे साथ और रवि सिंह शौरान भी हमारे साथ बने हुए हैं, दोबारा रुख करेंगे। इसके अलावा हम दिल्ली का भी रुख करेंगे, उत्तर प्रदेश का भी रुख करेंगे, वहां पर भी जानेंगे कि जनता के क्या मुद्दे रहे, कितनी ज़्यादा तादाद में लोग निकले और अपना वोट कास्ट किया। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मुझे क्रिएटिविटी नहीं दिखी। या तो आप रेवेन्यू को झूठ बोल रहे हैं या कस्टमर से, क्लाइंट से झूठ बोल रहे हैं, उसमें यही क्रिएटिविटी है। मगर इस काम में जो आप हाथ से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। आप जो काम करते हैं उसमें आपको खुशी मिलती है कि आपने कोई अच्छा काम किया, कोई क्रिएटिव काम किया। अब वो अच्छी फोटोग्राफ पहाड़ की खींचें या अच्छा पोर्ट्रेट करें, दोनों चीज़ों में आपको डायरेक्ट रिवॉर्ड है। इट्स नॉट मॉनेटरी रिवॉर्ड, बट दिस इज समथिंग प्लीजेज योर हार्ट। हाँ, मैंने अच्छा काम किया, अच्छी फोटो खींची, अच्छी किताब करी, वो प्राइसलेस चीज़ें हैं। नमस्कार, मैं हूँ अशोक दिलवाली, मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट, ये वो मशीन है जो ईवीएम से कनेक्टेड रहती है। ये बताती है कि मतदाता ने जिसको वोट दिया है वो वोट उसी को गया है या नहीं। यानी इस मशीन के जरिए मतदाता दोहरी जांच कर सकता है। दरअसल आपके वोट डालते ही वीवीपैट मशीन की डिस्प्ले में एक पर्ची लगभग 7 सेकंड तक दिखती है, जिसमें आपके द्वारा दिए गए वोट का विवरण लिखा होता है। बाद में ये पर्ची एक बॉक्स में गिर जाती है जिसे मतदाता घर नहीं ले जा सकते। किसी विवाद की स्थिति में इन पर्चियों के जरिए वोटों की जांच दोबारा की जा सकती है। सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल 2013 में नागालैंड के चुनाव में हुआ था और इस बार के लोकसभा चुनाव में पूरे देश के मतदान केंद्रों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाए। हर वो आर्थिक फैसला या नीति जो तय करता है विकास की गति, कैसे और क्यों लिए जाते हैं फैसले, क्या होता है इनका हम पर असर, देखिए अर्थनीति शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज छठे फेज में यानी कि छठे दौर में 59 सीटों पर वोटिंग हुई है और जो पूरा आंकड़ा आया है वोट प्रतिशत का वो 61% के आसपास गया है। सभी राज्यों में प्रतिशत जो है वो मतदान का अच्छा रहा है। और हमारे साथ हमारे दो संवाददाता और जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से नविक्रम सिंह, साथ ही दिल्ली से लीना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले लीना, आपका रुख कर लेती हूँ। राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। सबसे पहले हम जनता की बात कर लेते हैं। दिल्लीवासी हालांकि वोटिंग परसेंटेज के मामले में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज जो है वो थोड़ा बढ़ा है। कितने प्रतिशत अब तक वोटिंग और कितना उत्साह दिखाई दिया आज पूरे दिन भर वोटिंग के दौरान? जी अमृता जी, हम आपको बता दें इस बार चुनावों की कड़ी मशक्कों के बावजूद ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। इस बार 55% सिर्फ वोटिंग परसेंटेज जो है शाम के 6 बजे तक ये हमारे पास आंकड़ा आया है और पिछली बार के मुकाबले, पिछली बार 65% ये वोटिंग परसेंटेज हुआ था। इसका एक मुख्य कारण एक भीषण गर्मी भी माना जा रहा है और साथ ही चुनाव आयोग ने इस बार कड़ी सुविधाएं भी दी थी और साथ ही साथ 100 उम्र से ज़्यादा लोगों के लिए खास करके उनको एस्कॉर्ट करके पोलिंग बूथ तक लाया गया उनको, और खास दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल सुविधा उन्हें प्रोवाइड की गई और साथ में कई लोगों के मुद्दे भी थे। साथ ही सड़क, टूटी सड़कें, बिजली, पानी,
कई ऐसे मुद्दे थे जो लोग बताना चाह रहे थे और इस इलेक्शन में उन्होंने इन मुद्दों पर उन्होंने वोट दिया है, चाहे वो चांदनी चौक का सीलिंग का मुद्दा हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में सीलमपुरी का पानी का मुद्दा हो या बिजली का मुद्दा हो। जी जी लीना, इस बार चुनाव आयोग ने जैसा कि आप भी कह रही हैं पूरी मशक्कत की थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा निकलें और एक टैगलाइन मिलेगा ठंडा पानी और मिलेगी धूप से वोट, दिल्लीवासी जरूर करें अपना वोट, इसके माध्यम से सभी को जागरूक करने के लिए, उत्साहित करने के लिए पूरी कोशिश की गई थी। हमने ये सुना कि काफ़ी जो भी जो मतदान केंद्र थे वहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई थी, लोगों के पानी के लिए, लोगों को धूप ना लगे उसके लिए शेड्स बनाए गए थे, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए बाकायदा व्हील चेयर्स की भी व्यवस्था की गई थी, महिलाएं है उनके लिए भी खास तरीके की व्यवस्था की गई थी, उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जी हाँ, महिलाओं के लिए स्पेशल पोलिंग बूथ चुनाव आयोग ने इस बार बनाए थे और खासकर ठंडा पानी भी मुहैया कराया था वोटर्स के लिए, स्पेशल छाओं के बंदोबस्त किया गया था वोटर्स के लिए इस बार। और बात करें अगर कैंपेन की, तो चुनाव आयोग ने इस बार दिल्ली के हर यूनिवर्सिटी, ये चाहे कैंपस हो उसके हर कॉलेज में जा जाकर एक जागरूक अभियान उन्होंने छेड़ा था कि वोट करें, कृपया वोट करें हर स्टूडेंट को, जिसमें दिल्ली की 1.5 करोड़ की आबादी में से 52% ऐसे युवा हैं जो 40 से उम्र की कम में हैं, उनको भी एक कैंपेन उन्होंने चलाया था, स्वीप करके कैंपेन चलाया था चुनाव आयोग ने, जो काफ़ी मददगार भी साबित हुआ, लेकिन पिछली बार के मुकाबले ये वोटिंग परसेंटेज कम रहा। अमृता जी, मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम रहा, हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि दिल्लीवासी आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें और वोट करें। इसके अलावा लीना, मैं ये भी जानना चाहूँगी, 7 सीटों पर आज वोटिंग हुई है, पिछली बार तो ये 7 सीटें क्लीन स्वीप हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, पर इस बार काफ़ी बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिला। लेकिन दिल्ली की जनता जब वोट करने के लिए निकली थी, आप वहाँ पे मौजूद थी, अलग अलग मतदान केंद्रों पर आपने लोगों से बात की होगी, मुख्य मुद्दे, क्योंकि दिल्ली के अपने अलग मुद्दे हैं लेकिन लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी होते हैं, जनता किन मुद्दों को जहन में लेकर निकली थी आज वोट करने? जी जनता का ये कहना था कि उनके खास मुद्दे, प्रदूषण एक सबसे बड़ी समस्या है उनके लिए, दिल्ली का ट्रैफिक उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है, खासकर बिजली, सोनिया विहार का जो सोनिया विहार के जो लोग हैं उनका कहना था अगर हमें बिजली और पक्की सड़कें मिल जाएं, तो उन्हें यही उम्मीद है कि सरकार उनके लिए पक्की सड़कें मुहैया कराएगी और साथ ही साथ बिजली उन्हें अच्छी तरह से देगी। सोनिया विहार एक ऐसा इलाका है जहाँ पर यमुना स्थित है, यमुना का गंदा पानी उन्हें दिक्कत करता है, गर्मियों में डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी उनके सामने आती हैं, तो इससे बचाव करने के लिए भी उन्होंने, ये कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर लोगों ने वोट दिया। जी लीना, आप हमारे साथ बने रहिए, पंचानंद मिश्रा भी हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंचानंद, दिल्ली की सभी 7 महत्वपूर्ण सीटों पर आज वोटिंग संपन्न हो गई और जानते हैं हम कि पिछली बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, इस बार कितना कड़ा मुकाबला है, क्योंकि आप है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, कई सीटों पर यह भी कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, कितना दिलचस्प इस बार की जंग? देखिए अमृता, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दिलचस्प जंग इसलिए है क्योंकि ये चुनाव लोकसभा का है लेकिन दिल्ली में जो विधानसभा है, यानी दिल्ली की जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। 2014 में हमने देखा था कि किस तरह से जब भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी बहुमत में पूरे देश में सरकार बनी और 7 सीटें दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन उसके ठीक 7-8 महीने बाद जो चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़े बहुमत से, वो मैसिव बहुमत उसको कहा जाएगा, 70 में से 67 सीटें जीत कर आई। तो ये कुछ दिल्ली का जो मिजाज है, जो कुछ एक समीकरण है, वो अपने आप में एक चुनाव को हमेशा दिलचस्प बनाता रहा है दिल्ली में। लेकिन हमने देखा है कि केंद्र में जो सरकार बनती है वो लगभग लोकसभा की सभी सीटें जीत कर जाती है, चाहे हमने देखा 2014 में 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उसके पहले 2009 में जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार यूपीए 2 की थी तो 7 सीटें कांग्रेस के पास थी, इसी तरह 2004 में 6 सीटें कांग्रेस के पास थी और उस समय सरकार यूपीए 1 की थी। तो दिल्ली बहुत चीज़ों को डिसाइड करता है, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी की जिस तरह राज्य में सरकार है, उसने, आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि बिजली और पानी उसकी जो कीमतें हैं बिल्कुल बहुत कम की गई हैं और ये ऐसा मुद्दा है जो लोगों के जहन में सीधे असर करता है। लेकिन क्या इन मुद्दों को छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है, ये अपने आप में परखने की बात होगी। बिजली, सड़क, पानी तो मुद्दा होता ही है, साथ में दिल्ली में प्रदूषण ये वास्तव में एक मुद्दा होता है, तो क्या इसको लोगों ने सोचकर वोट दिया है या एक राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर या मजबूत सरकार को लेकर वोट दिया है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, इसका नतीजा बाद में आएगा। लेकिन
फिलहाल एक जो अच्छी खबर नहीं है वो ये है कि 2014 में जिस तरह से 65% से ज़्यादा मतदान दिल्ली में हुआ था, इस बार लगभग 6 बजे तक की रिपोर्ट है कि ये मतदान 60% से अभी कम है, यानी 59.8% के आसपास है। हो सकता है उस आंकड़े के पास पहुंचे लेकिन उसको पार करता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर दिल्ली के लोग शायद पिछली बार से कम निकले, हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी पूरी कोशिश की थी और उनका यह कहना है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है, तो ये हमको देखना होगा। लेकिन उस आंकड़े को मैच भी करता है या उससे आगे निकलता है तो एक अपने आप में एक अच्छी खबर जरूर होगी। बिल्कुल पंचनंदन, आप बने रहिए हमारे साथ। नव विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नव विक्रम, लोकतंत्र के इस महापर्व के छठे दौर में उत्तर प्रदेश की जिन 14 सीटों पर वोटिंग थी, पूर्वांचल का ये इलाका, सबसे पहले जनता की बात करेंगे, कितना उत्साह दिखा दिन भर वोटिंग के दौरान, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता काफी जागरूक मानी जाती है राजनीतिक रूप से, और वोटिंग परसेंटेज अगर हम पिछले बार की भी तुलना करें तो कितना अधिक या कम रहा? अमृता, अगर पिछली बार के मुकाबले देखें तो जो 14 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज रहा था छठे चरण में वो करीब 54% था, उससे थोड़ा कम रहा है। चुनाव आयोग ने काफ़ी कोशिशें की थी, जो धूप के चलते काफ़ी इंतज़ाम किए गए थे, लेकिन क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ थी तो वो नाकाफ़ी साबित हुए। तो ऐसे में जो मतदाता हैं वो कम निकले, और ख़ास तौर पर अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के इलाके में पलायन ज़्यादा है, उस पलायन के चलते माना जा रहा है कि कम प्रतिशत वोट पड़ा है पिछली बार के मुकाबले। हालांकि हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जहां हमने देखा जो युवा मतदाता हैं और साथ ही बुजुर्ग मतदाता, हर उम्र के मतदाता निकले, तो लेकिन समस्या वही है कि पलायन इतना बड़ा मुद्दा है यहां पर पूर्वांचल के इलाके में कि लोग यहां से एक दिन या दो दिन की छुट्टी में वोट डालने आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ख़ास तौर पर जिस तरीके की गर्मी है ऐसे में जो अर्बन एपैथी, जो शहरी उदासीनता जिसे समझा जाता है, वो ज़्यादा होती है। शहर में जो लोग होते हैं कम निकल पाते हैं, तो इस वजह से मतदान थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो भी मतदान हुआ है उसमें उत्साह तो दिखाई दिया। जो नए उम्र के मतदाता जो जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम वोटर जो हैं, उन लोगों में भी काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा था। जी अमृता, बिल्कुल, तो उत्साह था जिन्होंने भी वोट कास्ट किया है आज। नविक्रम, मैं मुद्दों की भी बात जरूर करूंगी, क्योंकि जनता जब वोट करने निकलती है तो एक मुद्दा खास उनके जहन में होता है जिसको लेकर वो वोट करती है। पूर्वांचल की जनता, चूंकि विकास यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, उसको लेकर आज उसने वोट किया, या राष्ट्रीय मुद्दे जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी या जो और राष्ट्रीय पार्टियां हैं प्रचार अभियान में जुटी हुई थी, किन मुद्दों को जहन में रखकर निकली? अमृता, जैसा कि आपने पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश के इस इलाके में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके में राजनीतिक चेतना ज़्यादा मानी जाती है बाकी इलाकों के अपेक्षा, और अगर हम इतिहास पर गौर करें तो आज़ादी की लड़ाई से लेकर कई ऐसी जो और मध्यकालीन इतिहास में भी यहाँ से काफ़ी जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास रहा है जी। तो यहाँ पर लेकिन उस मुकाबले अगर हम देखें तो मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा, हालांकि वो पहले फेज से लगातार ये उत्तर प्रदेश में खास तौर पर वो मुद्दा बना हुआ है, लेकिन हमने जहां भी पूर्वांचल के इलाकों में हम कई सीटों पर हमने देखा, जहां बात की लोगों से, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा यही समझ में आता है कि लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वोट दिया। लोगों, एयर स्ट्राइक एक बड़ा मुद्दा था यहाँ पर, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा था कि पिछले दिनों मुश्किल में घिर रही थी सरकार, या फिर कई ऐसे थे जो चुनावी वादे जो पूरे नहीं हो सके, लेकिन सबको समेटते हुए एक सबसे बड़ी जो पहल लोगों को लगा कि एक जो सुरक्षा का भाव है उस मुद्दे को लेकर वोट दिया। लेकिन जिस तरीके से स्थानीय मुद्दे निश्चित तौर पर प्रभावी होते हैं, कई इलाकों में हमने देखा कि स्थानीय मुद्दे जिस तरीके से सरकार, जो राज्य सरकार के प्रति नाराजगी भी दिखाई दी, मौजूदा सांसदों के प्रति नाराजगी दिखाई दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और एक तैयारी की थी, कई सीटों पर चेहरे बदले थे, उसका क्या नतीजा होता है ये देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर जातिगत समीकरण का भी इम्तहान होगा एक तरह से, क्योंकि 2014 और 2017 दोनों में जातिगत समीकरणों को, उत्तर प्रदेश जो अपनी जातिगत समीकरणों के लिए जाना जाता था वो एकदम ध्वस्त कर चुका है। ऐसे में वो जातिगत समीकरण एक बार फिर बाहर आते हैं या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो एक इतिहास की बात हो जाएगी, ये देखना, इस चुनाव के नतीजे ही ये बताएंगे कि आगे क्या संभावनाएं हैं। अमृता जी,
जी बिल्कुल नवविक्रम, और साथ ही अगर इस चरण की बात करें तो कई हाई प्रोफाइल चेहरे भी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो आजमगढ़ से, उसके अलावा केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी हो, कांग्रेस के डॉक्टर संजय कुमार हो, इनकी भी किस्मत का फैसला होना है और कितनी टफ फाइट है, क्योंकि जो 12 सीटें इन 14 में से भारतीय जनता पार्टी ने और एक अपना दल ने ली थी और एक सपा के खाते में गई थी, लेकिन बीएसपी और सपा का जो ये महागठबंधन हुआ है उसके बाद क्या लगा, इतने दिन आप उत्तर प्रदेश में रहे, ये जो मुकाबला है वो कितना कठिन हो गया? अमृता, पूर्वांचल के इलाके में कांग्रेस थोड़ी मजबूत समझी जाती है बाकी इलाकों की अपेक्षा। पूर्वांचल में प्रियंका गांधी वाड्रा को जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्हें पार्टी को मजबूत करने के लिए भेजा गया था, उन्होंने यहाँ पर बोट यात्रा भी की थी, फूलपुर वाराणसी समेत तमाम अहम सीटों पर उन्होंने वोट यात्रा की थी, जिसके जरिए मतदाताओं को, कांग्रेस के समर्थकों को उत्साहित करने की कोशिश की थी कि पार्टी के पक्ष में प्रचार कर सकें और मतदान कर सकें। लेकिन यहाँ जो त्रिकोणीय मुकाबला होता दिख रहा है, क्योंकि कई सीटों पर कांग्रेस मजबूत है, ऐसे में जो वोट है वो वोट किसका काटती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो अगर जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर गई तो वो वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी की पार्टी के पास है वो वोट बैंक उनके पास खिसक गया। ऐसे में एक बार फिर वो वोट ट्रांसफर अगर कांग्रेस के पास होता है तो गठबंधन को नुकसान होगा, और इसी को हमने पिछले दिनों देखा था कि एक बार प्रियंका गांधी ने अपने आप को गठबंधन के करीब दिखाने की कोशिश की थी कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, जो हल्के प्रत्याशी हैं, वो बीजेपी का वोट काटेंगे, लेकिन ये राजनीति में एक जो राजनीतिक पंडित हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो ज्यादा मजबूत है बजाय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश के इस पूर्वांचल के पूरे परिदृश्य को समझाने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ दिल्ली से पंचानंद भी हैं और हरियाणा से रवि सिंह शोराण भी हैं। आप दोनों से एक एक सवाल, पंचानंद सबसे पहले आपसे, दिल्ली में जो 10 सीटें हैं, 10 पर जो चेहरे हैं वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं और दिल्ली बहुत हद तक, जैसा कि आपने कहा था, कंट्रीब्यूट करती है चाहे मुद्दे हों, लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास भी दिखता है, देश की राजधानी है, उसके अलावा दिल्ली जो जिसके अपने मुद्दे और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार, तो यहाँ पर जो मुद्दे थे सबसे अहम जिन्होंने इस बार वोटिंग के टाइम अपना रोल अदा किया वो कौन से? बिल्कुल, आपने देखिए सही कहा कि 7 जो यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं दिल्ली की, ये हमेशा से एक सिंबल रहा है कि केंद्र में जिसकी सरकार बन रही है क्या सारी सभी सीटों पर क्या वही डोमिनेट कर रहा है। ऐसा हमने 1999 से लेकर 2004, 2009 और 2014 इन चारों चुनावों में, लोकसभा चुनाव के में ये बातें दिख चुकी हैं। मैंने जैसा पहले बताया था कि 1999 में भी यही हुआ था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो 7 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। इसका मतलब यही हुआ कि लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव के में दिल्ली का बर्ताव अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हमने 2014 के ठीक बाद जब 2015 में चुनाव हुआ था दिल्ली का विधानसभा का, आम आदमी पार्टी को जो मैसिव बहुमत मिला था वो अपने आप में दिखाता है कि वोटर्स अब ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि लोकसभा में और विधानसभा में मुद्दे अलग हो सकते हैं। बिजली सड़क बिजली का और जो पानी का, जो जो बिजली हाफ और पानी माफ, ये वायदा जो आम आदमी पार्टी ने किया था तो उसको इसका एक बड़ा समर्थन मिला, और आम आदमी पार्टी का अब दावा है कि बिजली और पानी के साथ साथ जो स्वास्थ्य में सुधार हुआ है उसको लेकर वो मैदान में उतरेंगे, और उसी मुद्दों को उन्होंने लोकसभा के चुनाव में भी मुद्दा बनाया है। लेकिन क्या राष्ट्रीय मुद्दे, जैसा कि पूरे देश में हो रहा है एक केंद्रित चेहरे पर, एक केंद्रित नेतृत्व पर, क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा और लोकसभा के चुनाव में क्या लोग उस पर वोट डालेंगे, ये अपने आप में परीक्षण की बात भी होगी, शोध की बात भी होगी, जो चुनाव नतीजों के बाद में पता लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे भी हावी जरूर हो सकते हैं, और इसका जो एक राजनीतिक इसका असर है वो वोटिंग में और लोगों के जो वोटर्स हैं उनके बिहेवियर में नजर आएगा। बिल्कुल पंचानंद, तो दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव संपन्न हो गया। पिछली बार के मुकाबले मत प्रतिशत जो है वो थोड़ा कम जरूर रहा, लेकिन ये 7 सीटें बड़ी निर्णायक साबित होती हैं। पिछली बार ये 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है, कड़ा भी है, कई जगह त्रिकोणीय मुकाबले भी हैं। बहुत शुक्रिया पंचानंद इस पूरी बातचीत के लिए। और इधर 7वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने देवरिया और कुशीनगर में जनसभा को संबोधित किया। कुशीनगर में प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में दलित बेटी के साथ रेप हुआ,
लेकिन मायावती इस पूरे मामले पर चुप बैठी हैं, जबकि उनके समर्थन से राजस्थान की सरकार चल रही है। राजस्थान में क्या हुआ, वहां एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, वहां कांग्रेस की सरकार है, नामदार की सरकार है और राजस्थान की सरकार बहुमत वाली सरकार नहीं है, बीएसपी के समर्थन से चल रही है। राजस्थान की सरकार बीएसपी के कारण चल रही है। कांग्रेस और बीएसपी ने, ये दोनों के द्वारा जो राजस्थान में सरकार चल रही है, दलित बेटी पे जो बलात्कार हुआ है उसको दबाने में वो जुटी हुई है। न्याय 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 के नाम से चिखने वाली कांग्रेस के नामदार के मुंह पर भी ये बलात्कारियों ने ताला लगा दिया है। साथियों, आज यूपी की बेटियां बहन जी से पूछ रही है और बहन जी आपको जवाब देना पड़ेगा, राजस्थान में बहन जी आपके समर्थन से सरकार चल रही है और वहां दलित बेटी पे बलात्कार हुआ है, आपने अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? बयानबाजी करके घड़ियाली आंसू बहा रही हो? अगर आप और बहन जी, आपके साथ गेस्ट हाउस में हुआ था, पूरे देश की बहनों को पीड़ा हुई थी, क्या कारण है बहन जी आपको पीड़ा नहीं हो रही है? प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के खंडवा में भी चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से उद्योग के नाम पर तबादला उद्योग तेजी से चल पड़ा है। यहां एक ही पार्टी के ढाई सीएम है, ढाई 2.5। प्रशासन को पता ही नहीं चलता कि किसका आदेश मानना है। गुंडों, हत्यारों और डकैतों को खुला लाइसेंस दिया गया है। अपने अपने गुटों के हित में यहां प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उद्योगों के नाम पर एक ही उद्योग चल पड़ा है, तबादला उद्योग, ट्रांसफर उद्योग। जब एक ही दल की खिचड़ी में ये हाल हो सकता है, तब दिल्ली में दो दर्जन लोगों की खिचड़ी का ये क्या गुल खिलाएंगे, देश का क्या हाल करेंगे, ये मध्य प्रदेश वाले आसानी से समझ सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज हिमाचल प्रदेश के चंबा में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में मोदी सरकार ने देश को विकास की दौड़ में सबसे आगे लाने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में ही देश को सुरक्षित करने का अभियान ये 5 साल चला। मोदी जी के नेतृत्व में ही देश के गौरव को आसमान तक ले जाने का अभियान ये 5 साल चला। मोदी जी के नेतृत्व में ही भ्रष्टाचार विहीन सरकार कैसी होती है इसका उदाहरण इस देश में 5 साल में रखने का काम हुआ। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संवाद, सौहार्द और न्याय को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया। आज वियतनाम में 16वीं संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस पर प्रमुख व्याख्यान देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए इनके बेहतर इस्तेमाल के जरिए ही समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद का बढ़ता खतरा विनाशकारी भावना को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के विचार वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। Violence had no place in it. It was the vision of harmonious, inclusive, sustainable development. Buddhism's great contribution is its balanced approach, avoiding extreme positions and appreciating the truth lies always somewhere in the middle. The Lord Buddha's message prompts us to find that what we call the middle path, Madhyama Marga. His noble eightfold path comprised of right understanding, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. This is what has been said. If global leadership can adopt this approach, if all of us can endorse this approach and take it forward, it is possible to avoid conflict, reconcile different viewpoints, and achieve consensus. It can also steer individuals away from bigotry, dogmatism, and fanaticism to a more balanced view of life essential for peaceful coexistence. Perspective underlining this approach is an inclusive perspective that respects each individual and diversity of thoughts. It is an antidote to the contemporary malaise of radicalization and religious fundamentalism. It is an approach that promotes equity and equanimity, in which viewpoint is given equal important. Every viewpoint is given equal important, and no irrational or hasty decision is taken. It encourages reflection, what Lord Buddha calls mindfulness. This builds a culture of self-evaluation and constant improvement. My dear brothers and sisters and distinguished delegates, sustainable society is possible through social justice, which in turn is linked to managing conflict with oneself and in the world at large. और इन तमाम खास खबरों के साथ राज्यसभा टीवी के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।